दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सांसों पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि राजधानी में साफ हवा की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। इसके पीछे कारण पराली है, जिसके मामले में बीते कुछ दिनों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत जल्द ही यही स्थिति रही तो राजधानी की आबो हवा खराब हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 82% रही। दिल्ली की हवा अभी साफ है और हर कोई आराम से सांस ले रहा है, लेकिन ये हालात अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। इसकी वजह है पराली जलाने के मामले में वृद्धि। बीते 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पराली का असर अभी दिल्ली में इसलिए ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हवा की दिशा पूर्वी है। जैसे ही ये पश्चिम की तरफ से बहना शुरू करेगी, पराली का धुआं दिल्ली वासियों का दम घोटने लगेगा। पंजाब के अमृतसर में पराली जलाने की 6 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा के सोनीपत और रोहतक में 2 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 15 और 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया से फसलों के अवशेष जलाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पराली जलाने के मामले में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के बाद बादल छाए रहने के कारण उपग्रहों को रविवार और सोमवार को पराली जलने के मामलों का पता नहीं चल सका है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 15 से 18 सितंबर के बीच उपग्रहों ने पड़ोसी राज्यों में 23 पराली जलाने के मामलों का पता लगाया था। इसी समय में अगर वर्ष 2021 और 20 की बात करें तो क्रमशः 12 और 34 मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर पराली जलाने का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत से मानसून जाने के बाद दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत कुछ हवा की दिशा और हवा की गति पर भी निर्भर करेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक ने कहा कि पराली जलाने के शुरुआती संकेतों के कारण सर्दी में ऐसी आग पर काबू पाने के लिए रणनीति के तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खेतों से पराली को हटाने के लिए जरूरी मशीनों को किसानों तक पहुँचाने में इसमें सुधार किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक ने कहा कि औद्योगिक ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करने या फसल अवशेषों से बायो सीएनजी का उत्पादन करने जैसे ऑफ फार्म अनुप्रयोगों को बढ़ाने की जरूरत है। ये किसानों के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन हो सकता है, लेकिन भूसे के संग्रह और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी है। इसके लिए गहन संचार और आउटरीच रणनीतियों की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान जताया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।